सत श्री अकाल फ्रेंड्स, आज फिर मैं लाई हूँ छोटी छोटी सी यूजफुल किचन टिप्स। तो फिर वीडियो शुरू करते हैं। ये मैंने थोड़े से तुलसी के पत्ते लिए हैं। तुलसी के पत्ते जो हैं गले के लिए बहुत अच्छे होते हैं, खांसी जुकाम के लिए अच्छे होते हैं। तो अब जैसे कोरोना चल रहा था तो इस समय तो सभी ने बहुत तुलसी के पत्तों को काढ़े में डाल डाल के पिया, वैसे भी खाए। तो तुलसी के पत्ते दिन में 2-3 तो खाने ही चाहिए, बहुत अच्छे होते हैं। तो याद नहीं रहता ना इनको खाना, तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही अच्छी सी एक टिप दे रही हूँ। तो आपने क्या करना है, इन पत्तों को सुखा लें। चाहे तो आप धूप में सुखा सकते हो, या माइक्रोवेव में सुखा सकते हो, या फिर आप इस तरह से तवे पर भी इसे सुखा सकते हो। गैस को मीडियम रखना है और तवे पर बस 1 मिनट भी नहीं लगेगा और ये देखें सूख गए, कितने क्रिस्प हो गए। और माइक्रोवेव में भी मैंने इनको कर लिया। अब इन पत्तों को चाय पत्ती के डिब्बे में डाल लें, चाहे मैश कर लें, चाहे ऐसे ही डाल लें। चाय तो सुबह शाम हम पीते ही हैं। और अगर और भी अच्छा फ्लेवर चाहिए आपको तो आप इसमें डाल सकते हो हरी इलायची, कूट कर या पीस कर थोड़ी सी हरी इलायची भी इसी में डाल दें। अब जब भी आप चाय बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी फ्लेवर वाली बनेगी, उसमें तुलसी और हरी इलायची का फ्लेवर होगा और बहुत ही फायदेमंद भी होगी। अगली मेरी टिप है अंडों को लेके। अंडे अक्सर हम घर में लाते हैं पर हमें ये पता नहीं चलता कि इनमें से कौन सा वाला अंडा खराब है या ज़्यादा पुराना है, बासी है। तो इसको चेक करने के देखिए 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो है आप इनको हिलाकर इस तरह से कान के पास ले जाएं और हिलाकर देख लें। आपको अगर इसमें कुछ हिलने की आवाज़ आएगी ना, ऐसे जैसे इसमें कुछ पानी सा लिक्विड सा हिल रहा है, तो इसका मतलब है कि ये अंडा ख़राब है। तो ये इस तरह से भी चेक कर सकते हो। तो मैंने अंडे चेक कर लिए हैं, कोई भी अंडे में से आवाज़ नहीं आई है। अब दूसरा तरीका भी मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, एक बाउल में या बड़े से बर्तन में आप पानी भर लेना, उसमें आपने डालने हैं 1-1 करके अंडे। तो देखिए, अगर अंडे नीचे जाके बैठ गए ना तो इसका मतलब अंडे फ्रेश हैं, ठीक हैं। और अगर कोई अंडा ऊपर तैरने लगता है ना तो इसका मतलब वो ख़राब है। और या फिर ऐसा भी कई बार होता है कि कोई अंडा क्या होता है, ना पूरी तरह से नीचे बैठता है ना ऊपर तैर रहा है, बीच में हल्का हल्का सा फ्लोट करता है, तो उसका मतलब होता है कि वो अंडा जो है अभी बासी हो चुका है, इसको जल्दी इस्तेमाल कर ले, पूरी तरह वो ख़राब नहीं है। तो सारे अंडे मैंने चेक कर लिए हैं। तो देखिए कितनी अच्छी बात है, एक भी अंडा ख़राब नहीं निकला है। अगली मेरी टिप है बहुत ही इंटरेस्टिंग सी। कई बार क्या होता है, कुछ चटपटा सा कुछ अच्छा सा खाने का मन करता है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है और घर में ज़्यादा सामान भी नहीं है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास पापड़ रखे ना तो आप पापड़ को भून लेना, चाहे तवे पर चाहे गैस पर कैसे भी भून लेना। फिर इसको करना मैश, बहुत बारीक नहीं करना है। देखें इतने मोटे मोटे मैंने टुकड़े छोड़े हैं। अब इसमें मैं मिला रही हूँ उबला हुआ आलू। तो ये मैंने आधा ही लिया क्योंकि पापड़ भी कम है, इसको ग्रेट करके डाल लेंगे। आलू मिलाने से एक तो पापड़ में बाइंडिंग आ जाएगी, दूसरा टेस्ट भी बहुत बढ़ जाएगा। अब इसमें मैं हरी मिर्च डाल रही हूँ। तो मिर्च मसाले आप इसमें उसी हिसाब से मिलाना जैसे कि आपके पापड़ हैं। कई बार क्या होता है, पापड़ बहुत स्पाइसी होते हैं तो आप मिर्च मसाले थोड़े कम मिलाना। हरा धनिया डाल लेंगे, नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, पापड़ में भी नमक होता है तो उसके हिसाब से ही मिलाना है। रेड चिल्ली पाउडर डाल लेंगे। इनको मिक्स कर लिया है पर इसमें अभी मैं मिला रही हूँ थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा सा आमचूर पाउडर, और भी अच्छे टेस्ट के लिए। तो ये देखिए ये तैयार हो गया है मसाला। अब इसको हमने रखना नहीं है, साथ के साथ ही बनाना है, क्योंकि जो पापड़ होते हैं ना वो जल्दी से सील जाते हैं, इसलिए इसको साथ के साथ बना लेंगे। आटा मेरे पास पहले से ही गूंदा पड़ा था, उसमें से एक पेड़ा ले लिया है। इसको बेलकर अंदर देसी घी लगाएंगे और इसके ऊपर इस फिलिंग को रखेंगे। तो फिलिंग थोड़ी ज़्यादा ही भरनी है इसमें। इसको बंद करके अब इसको बेलना है, तो पहले हाथ से इसको इस तरह से करेंगे, हल्का हल्का दबा लेंगे, जिससे कि पराठा जब हम बेलेंगे तो वो फटेगा भी नहीं, सारी जो स्टफिंग है पूरे में फैल जाएगी। हल्के हाथ से कॉर्नर से इसको इस तरह से दबाते हुए बेल लेंगे। अब इसको सेक लेंगे जैसे हम सारे पराठे सेकते हैं, घी या ऑयल लगाकर दोनों तरफ से मैंने इसे सेक लिया है। ये देखें कितना खस्ता बनकर तैयार हुआ है। अब मैं आपको इसको खोल कर भी दिखा रही हूँ, ये देखिए आप। तो देखिए आप कितना अच्छा पराठा बनकर तैयार हो गया है, बहुत ही टेस्टी बनता है। अचार और चटनी के साथ मैंने इसे सर्व किया है। अगली मेरी टिप है लेफ्ट ओवर दाल सब्जी को लेकर। जब भी हम दाल सब्जी बनाते हैं थोड़ी बहुत बची जाती है, फिर उसको हम फ्रिज में स्टोर कर देते हैं अगले टाइम के लिए। फिर जब हम इसे यूज़ करने के लिए निकालते हैं तो आपने इसे कैसे यूज़ करना है,
तो ये देखिए दाल को निकाल कर मैंने थोड़ी देर पहले ही किचन स्लैब पर रख दिया था, तो एकदम से ठंडी ठंडी निकाल कर गर्म नहीं करनी है इसको, निकाल कर पहले किचन स्लैब पर थोड़ी देर रखना होता है जिससे कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आ जाए। फिर इसके बाद जब इसे गर्म करेंगे तो ज़रूरत लगे तो इसमें थोड़ा जो पानी मिलाना हो तो वो भी ठंडा नहीं मिलाना है, गुनगुना करके कोसा करके पानी इसमें ऐड करना है। फिर इसको अच्छी तरह से बॉयल दिलवाना है, अच्छी तरह से जब इसमें बॉयल आने लगे ना फिर आपने इसको खाना है। तो इसको अब आपने पूरा ही यूज़ करना है क्योंकि ये फ्रिज से निकाली हुई एकदम ठंडी थी, फिर हमने इसको गर्म किया, फिर हम इसे अगर स्टोर करेंगे ना तो फिर वो काफ़ी नुकसान करेगी, काफ़ी गैस भी बनेगी इसको खाने से और वो ख़राब भी हो जाएगी, तो इसे आपने अब पूरा ही यूज़ करना है। फ्रेंड्स कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? अगर पसंद आई है तो आप इसे लाइक और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। इनमें से कौन सी वाली टिप आपको अच्छी लगी आप कमेंट करके भी बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ। खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।